आज हम कहीं जा रहे हैं, देखो हम घूमने जा रहे हैं आज, हमारा प्यार और हम जा रहे हैं आज, हमारे घर पर सारी महिलाएं आई हैं, हमारे समूह समूह से भी घूमने जा रहे हैं नंदानी को। और देखो हमको दो मठा रहा है, आपको सब घर जाएंगे तीन चार के रास्ते जा रहे हैं। देख लगा दिया है, बिल्कुल सॉन्ग भी अच्छे नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्या लगा रहे हैं, सुबह से दिमाग खा कर रखा है, दिमाग का एक गाना अच्छा लगा रखा है। अच्छी खिली खिली धूप आई है वहाँ से देखो, और ठंडा भी नहीं लग रहा, लेकिन घर से आते आते तो बहुत ठंड लगी थी, तो गला भी जाम हो गया था ठंडे से। और हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर पे, फिर बताएंगे दिखाएंगे आपको अगली वीडियो पे। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है आज, तब तक तो बिल्कुल बादल लगे हुए थे और धूप भी नहीं आ रही थी, आज बहुत अच्छी खिली खिली धूप आई है और बहुत अच्छा मौसम रहा है यहाँ का। गाँव से तो पहाड़ से तो गर्मी हुआ है, गाँव में तो ठंडा हुआ है। आज बिल्कुल महिलाओं का मेला लगा हुआ है, समूह की महिलाओं का जगह जगह, मुझे लग रहा है उत्तराखंड से है पूरा, जगह जगह से आ रही हूँ महिलाएँ, आज बिल्कुल महिलाओं का मेला लगा हुआ है। देखो जितनी भीड़ यहाँ लगी है उतनी पीछे से भी आ रही है महिला, आज पूजा बैठी महोत्सव मेलन में अपने मध्य में इस जिले की प्रथम महिला नागरिक बेला तुलिया जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। मैं नगर निगम के आयुक्त आदरणीय कपूर डब्बू जी उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए एडीएम नैनीताल शीतरण द्विवेदी जी आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर रतुला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा सभी मातृशक्ति और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जो भी लोग बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं आपसे आग्रह है कि अतिशीघ्र अपना स्थान सुरक्षित करेंगे, क्योंकि यात्री होती है उन्हें हमारी कुमाऊनी भाषा में ईजा कहा जाता है, तो ईजा और बैणियों द्वारा जो हमारे प्रदेश को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाया जा रहा है अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड के उत्पादों को, हमारा जो पोषण से भरपूर हमारे अनाज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अनाज का नाम श्री अन्न का नाम दिया है, तो इस श्री अन्न में जो जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, हमारे जो आज का खान पान हमारे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो हमारे हमेशा आयोजित किए जा रहे हैं।
इसलिए एक बार जोरदार मैं कहूंगा नारी को।